आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं और ऐसा टॉपिक है जो हर पेरेंट रिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक के साथ। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, मतलब ये टॉप मोस्ट गोल होता है इंडियन पेरेंट्स का कि बच्चे अच्छी एजुकेशन लें और अच्छा करियर अपना चूज करें। आजकल करियर ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं एंड उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अगर हम पहले से कंपेयर करें और अभी देखें तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी जो भी करियर ऑप्शन चूज करना चाह रहे हैं, जहां पे भी पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए एजुकेशन में पैसा रुकावट नहीं बनना चाहिए। मतलब हमारी एजुकेशन प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जो भी बच्चा चूज करना चाहे वो इजीली चूज कर पाए। उसके लिए आपको एजुकेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा सेव करना पड़ेगा, लेकिन प्लानिंग के साथ। बहुत सारे लोग जो हमें जानते हैं वो जानते हैं कि हमारे बेटे ने हायर एजुकेशन स्टार्ट करी है इस ईयर, ही स्टडिंग इन US। तो उसके लिए प्लानिंग हमने 2-4 साल पहले स्टार्ट नहीं करी, उसके लिए प्लानिंग स्टार्ट की थी जब वो 2 साल का था, 3 साल का था, तब से हमने पैसा सेव करना शुरू कर दिया था क्योंकि हमें पता था आगे जाके एजुकेशन में पैसा लगना है। सही तरीके से सही टाइम पे प्लानिंग करी तो हम बेटे को बाहर भेज पाए। तो एज अ पेरेंट, बाकी पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है ये कैलकुलेटर, आप यूज कीजिए। मैंने कैलकुलेटर बनाया है जिसमें मैंने ये दिखाया है कि एजुकेशन कॉस्ट क्या है इंडिया में, अगर इंडिया से बाहर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो एजुकेशन कॉस्ट क्या है, और आपको अल्टीमेटली करना क्या है उस पैसे को जोड़ने के लिए, वो फंड क्रिएट करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सेल कैलकुलेटर आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे, एंड आप ये कैलकुलेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 18 ईयर से एसोसिएटेड हूँ एंड हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट दी राइट इन्फॉर्मेशन एट दी राइट टाइम, जैसे कि आपको अब मिलने वाली है। मैं आपके साथ स्क्रीन पे कैलकुलेटर शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने बनाए हैं और ये कैलकुलेटर आप खुद भी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस मेंशन है कि क्या करना है। आइए चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ, कैलकुलेट करते हैं आपके बच्चे की एजुकेशन कॉर्पस। जी हाँ, ये है शीट आपके सामने, यहाँ पे एजुकेशन कॉर्पस कैलकुलेटर है ये। यहाँ पे मैंने एज्यूम करा है कि 4 इयर्स का कोर्स है, आप देख सकते हैं 4 इयर्स का है, 3 इयर्स का, अकॉर्डिंगली आप इस कैलकुलेटर में चेंजेस भी कर सकते हैं। सो मैंने 2 सिनेरियोज लिए हैं, एक मैंने बात करी है कि एजुकेशन कॉस्ट इंडिया में क्या है, हायर एजुकेशन कॉस्ट, दूसरी हम बात करेंगे एजुकेशन कॉस्ट इंडिया से बाहर क्या है। ये मैंने आज की डेट में एवरेज कॉस्ट ली है जो हमने रिसर्च करी लास्ट ईयर हरगुन को कॉलेज भेजने से पहले, तो ये हमारी रिसर्च के हिसाब से इतनी कॉस्ट लगती है अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो। सो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कॉस्ट होगी, तो एक एवरेज कॉस्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कैलकुलेटर यूज करने से पहले आप जो येलो सेल्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं, येलो सेल्स जहां पे भी येलो येलो हाईलाइट करा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजें मत चेंज कीजिएगा नहीं तो कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। सो मैंने यहाँ पे एज ली, लेट्स से बच्चे की एज है 2 इयर्स और हम हायर एजुकेशन कब चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 4 ईयर कोर्स है, तो 17, 18, 19, 20 4 साल में हमें पैसा चाहिए होगा फॉर हायर एजुकेशन। पर ईयर कॉस्ट जो निकल के आई वो निकल कर आई कि 8 लाख रुपए 1 साल की कॉस्ट है अगर हमें हायर एजुकेशन करानी है बच्चों की इंडिया में। तो इसी को हम इन्फ्लेट करेंगे फ्यूचर में कि फ्यूचर में ये कॉस्ट कितनी होने वाली है। मान लीजिए किसी का बच्चा 2 साल का है और 15 साल बाद 17th ईयर में कॉस्ट हो जाएगी 16,63,000, मतलब जब आपके बच्चे कॉलेज जाने वाले होंगे तो 8 लाख में एजुकेशन नहीं होगी, 16,63,000 में सेम टाइप का कोर्स आप करा सकते हैं। और क्योंकि 4 साल का कोर्स है तो हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, तो मैंने 5% की इन्फ्लेशन यहाँ पे एज्यूम करी है, मैं मेंशन भी कर देती हूँ। 5% के हिसाब से जब वो 18 साल के होंगे तो 17,46,000 रुपये चाहिए, 19 इयर्स के होंगे तो 18 लाख चाहिए, और 20th ईयर में जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट करेंगे उस साल उनको 19,25,000 चाहिए फॉर दैट ईयर कोर्स। यही कॉस्ट अगर आप बाहर लेते हैं, इंडिया से बाहर अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट इज 30 लाख। ये अभी बहुत सारे पेरेंट्स मेरे साथ अग्री करेंगे जिन्होंने बच्चों को बाहर भेजा है, ये कम से कम कॉस्ट है, 30 लाख रुपए इज द बेयर मिनिमम कॉस्ट पर ईयर जो आप इनकर करने वाले हैं अगर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, इससे ज्यादा ही होगी, आई एम श्योर कम नहीं है। तो 30 लाख रुपीज की अगर हम आज बात करते हैं कि अगर आज बाहर एजुकेट कराने की कॉस्ट 30 लाख रुपीज है फॉर हायर एजुकेशन फॉर ग्रेजुएशन, तो 17th ईयर पे जब बच्चे 17 साल के होंगे, अगर आज 2 साल के हैं तो 15 साल के बाद वो कॉस्ट होने वाली है 62 लाख। दिस इज बाय मेयर 5% इन्फ्लेशन। 18th ईयर पे जब सेकेंड ईयर होगा उनका कॉलेज का तो 65 लाख्स, जब थर्ड ईयर होगा तो 68 लाख्स, एंड 4th ईयर में इट विल बी 72 लाख्स। तो टोटल अगर आप इंडिया में पढ़ाई कराना चाहते हैं तो जो टोटल कॉर्पस है इन चारों को हम ऐड कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी 71,68,000 सिर्फ आपको एक बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए। अगर 2 बच्चे हैं तो अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा।
अगर यही आप पढ़ाई इंडिया से बाहर कराना चाह रहे हो, इंटरनेशनल स्टडीज देना चाह रहे हो, तो वहाँ पे 2,68,00,000 इज द कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू इंकर इन फ्यूचर. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 ईयर्स की एज नहीं है, मानते हैं बच्चे की एज 5 साल है, तो आप देखेंगे सारी फिगर चेंज हो जाएगी. अगर हमने 5 साल लिया तो इन्फ्लेशन उतने साल की होगी जितने साल चाहिए, मतलब अगर 17th ईयर पे हम बात कर रहे हैं तो 12 साल की इन्फ्लेशन कैलकुलेट होगी इंस्टेड ऑफ पहले क्या हो रहा था 15 साल की. यहाँ पे आप बोलते हैं बच्चा ऑलरेडी 11 का है, देन थिंग्स विल चेंज, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी नहीं होगी. 5 साल 11 का ऑलरेडी है तो 6 साल बाद कॉलेज जाना है, तो इन्फ्लेशन इतनी नहीं होगी और आपको अल्टीमेटली कम अमाउंट चाहिए होगा. लेकिन इसका इम्पैक्ट मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, अभी इसको वापस 2 करते हैं सो दैट नीचे आपको इम्पैक्ट दिखाऊंगी कि अगर लेट आप प्लान स्टार्ट करते हैं, अगर बच्चा ज़्यादा एज का हो जाता है और उस टाइम पे आप प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो आपको नुकसान होने वाला है, कैसे वो आगे देखेंगे. अब हमें पता लग गया कि अगर 2 साल का बच्चा है तो 71 लाख इंडिया के हिसाब से कॉर्पस चाहिए, और इंडिया के बाहर अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो 2.6 CR कॉर्पस चाहिए. अब हम बात करेंगे कि हम ये कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए हम प्लानिंग कैसे करेंगे. हम मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 8% और 12% वाला प्रोडक्ट, आप अपने हिसाब से क्योंकि येलो सेल है आप मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर लगता है आपको कि 10% वाला प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है आप उसमें डालना चाहते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से तो उसमें डालिए. मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं 8% और 12%, मतलब आप अगर बैंक की RD में डाल रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिए. और अगर आपको लगता है कि नहीं म्यूचुअल फंड से 12% मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना, 10% करना, चेंज कर सकते हैं इसको. 8% के हिसाब से मैंने जो कैलकुलेट करा, जो फर्स्ट ईयर की एजुकेशन है यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं. अगर हम बात करते हैं कि 8% का अगर रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो में से, तो उस केस में क्या होगा, हमें फर्स्ट ईयर की एजुकेशन के लिए 4700 रुपीज पर मंथ आज सेव करने हैं. तो ये कैलकुलेशन कैसे हुई मैं आपको कैलकुलेटर भी दिखा देती हूँ. 8% का मैंने इंटरेस्ट लिया है और कितने साल है मेरे पास, 17 - 2, 17 ईयर्स पे एजुकेशन होनी है, करंट एज इज 2, तो 15 साल के लिए मुझे ये पैसा सेव करना है. और मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या थी जो मैंने कैलकुलेट करी थी ऊपर, कि 8 लाख रुपए की जो फ्यूचर में कॉस्ट होने वाली है दैट इज 1663. सो विच बिकम्स कि आपको 4700 रुपीज कब तक सेव करने हैं, जब तक बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है 17 साल तक 4700 रुपीज पर मंथ सेव करते रहने हैं. सेकेंड ईयर के एजुकेशन के लिए क्योंकि 1 साल और बढ़ गया तो मैं 18 में से उसको माइनस कर रही हूँ, तो हमें 4480 रुपीज सेव करने हैं पर मंथ फॉर एजुकेशन, जो हमें 18th ईयर में पैसा चाहिए. तो हम चारों अलग अलग कॉर्पस कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज चारों अलग अलग टाइम पे इन्फ्लेट हो रहे हैं. सो टोटल मुझे आज की डेट में 17,000 रुपये सेव करने हैं अगर 4 साल का कोर्स है तो. अगर बच्चे की 4 साल की एजुकेशन है तो मुझे 17,000 रुपये पर मंथ सेव करने हैं, और किस पे सेव करने हैं, 8% पे. अब बट ऑब्वियसली अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिटर्न मेरा 12% हो जाता है, तो 17 की जगह मुझे 11,560 ही सेव करने हैं चारों साल की कॉर्पस में ला के. यहाँ पे मैंने अज्यूम करा है 2 ईयर्स एज है, तो बच्चे की एज चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज. फॉर एग्जाम्पल इसको 10 को अगर मैं 12 को 10 कर देती हूँ तो आप देखेंगे 14,256 रुपीज मुझे चाहिए फॉर दी हायर एजुकेशन इन इंडिया. 4 साल के कोर्स के लिए मुझे 11,000 रुपये हर महीने सेव करने की ज़रूरत है. एंड यहाँ पे हम जो बात करते थे सेम मैंने आउटसाइड इंडिया भी ऐसे ही कैलकुलेट करा है कि 8% पे अगर बात करते हैं, मैं 8% वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे जो 2,68,00,000 है उसके लिए क्या करना है, आज उसके लिए मुझे 65,000 पर मंथ सेव करने हैं. 65,000 पर मंथ मैं सेव करूँगी तब जाके मुझे 2,68,00,000 रुपीज मिलेंगे, और कब मिलेंगे, जब बच्चा 17 साल का होगा, तो अकॉर्डिंगली मुझे 1-1 साल का कॉर्पस मिलता जाएगा. अगर मैं बोलती हूँ कि रेट ऑफ रिटर्न इज 12% इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम इन्वेस्टिंग इन अ प्रोडक्ट जहाँ मुझे 12% का रिटर्न मिलता है, तो वहाँ पे मैं इजिली 43,000 पर मंथ सेव करके भी मैं बच्चे की एजुकेशन फुलफिल कर सकती हूँ. सो एजुकेशन लोन ऑफ कोर्स इज अनदर ऑप्शन, बट आप एटलीस्ट ये टारगेट कर सकते हैं कि 50% पैसा आप सेव कर लें, 50% आप एजुकेशन लोन ले लें, बिकॉज उस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी. एंड स्पेशली जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो एक्सचेंज रेट है, यूजुअली अगर आप US डॉलर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो कहीं मैंने फैक्टर इन ही नहीं करा, मैंने तो सिर्फ इन्फ्लेशन फैक्टर इन करी है कि 5% से हमारी एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन जो डॉलर का रेट है वो भी इम्पैक्ट करेगा. आपकी प्लानिंग हो सकता है पूरी एक्यूरेट ना हो, तो इसलिए एटलीस्ट 50% आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर चाहे एजुकेशन लोन लें चाहे जैसे भी करें. सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि लेट से अगर 2 ईयर्स, मैं आपको जो स्टार्टिंग में बता रही थी कि अगर आप लेट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा है या नुकसान है. लेट से मैंने प्लानिंग स्टार्ट करी होती 10 ईयर्स पे, या किसी ने 10 ईयर्स पे स्टार्ट करी और पता है कि 7 साल के बाद कॉलेज जाना है, यहाँ पे जो कॉर्पस आ रहा है वो आ रहा है कि टोटल 48 लाख कॉर्पस चाहिए इंस्टेड ऑफ पहले क्या था, पहले था आपका 71 लाख,
71 लाख की जगह 48 लाख चाहिए, लेकिन ये 48 लाख जोड़ने के लिए, सो 48 लाख कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए आपको पर मंथ 33,000 रुपीज सेव करने होंगे अगर आप 8% वाले प्रोडक्ट पे डालते हो, 27,000 सेव करने होंगे अगर आप 12% वाले प्रोडक्ट पे डालते हो। अब आप ये देख रहे थे पहले जब हम 2 ईयर्स पे प्लानिंग स्टार्ट कर रहे थे तो सिर्फ 17,000 और 11,000 रुपए ही सेव करने थे, तो यहाँ पे एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर मंथ बढ़ गया, आप ओवर द ईयर्स ज्यादा सेव कर पा रहे हैं। किसी के लिए 40,000-50,000 पर मंथ सेव करना इतना कंफर्टेबल ना हो, तो उसके लिए चैलेंज हो सकता है कि मेरे को एजुकेशन भी करानी है बच्चे की मनपसंद एंड एट द सेम टाइम मेरे पास टाइम भी कम बचा है। तो इसलिए टाइम को अंडर एस्टिमेट ना करें, हम हमेशा बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना जल्दी आप स्टार्ट करें उतना आपको फायदा होगा, उतना जल्दी आप इजीली कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे और ज्यादा प्रेशर नहीं होगा आपके पास कॉर्पस क्रिएट करने का। हम एज्यूम करते हैं कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो आप ये समझिए कि ये डबल होने वाला है, वट एवर यू आर सेविंग, लेट्स से आप 11,000 पर मंथ भी आप सेव कर रहे हैं तो इट इज 22,000 पर मंथ ओनली फॉर हायर एजुकेशन। और आप ये समझिए कि ये ही एक सिर्फ फाइनेंशियल गोल नहीं है आपका, और भी फाइनेंशियल गोल्स हैं। ओनली फॉर हायर एजुकेशन फॉर किड्स आपको 22,000 रुपए महीना सेव करना है, जितना आप लेट करेंगे उतना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर मंथ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए समझदारी इसमें ही है कि आप जल्दी सेव करना स्टार्ट करें, जल्दी बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग करें। सी एजुकेशन तो आपको करानी है ना, वो तो इनेविटेबल है, आप ये नहीं बोल सकते कि देखेंगे जब आएगी एजुकेशन तब देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, आपको प्लानिंग आज से ही करनी है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पेरेंट्स जब भी उनसे बात करते हैं या कुछ भी उनका कंसर्न होता है पहले उनके माइंड में ये होता है कि मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए सेव करना है। तो ये मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए गिफ्ट है जो अपने बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग करना चाहते हैं। सिंपल से इजी से तरीके से आप अपनी एजुकेशन प्लानिंग कर सकते हो बिना किसी प्रेशर के, बिना इसमें आए कि मैं कैसे सेव करूं, कहां सेव करूं, क्या करूं। पहले आइडेंटिफाई करो कि सेव करना कितना जरूरी है, उसके बाद सेकेंडरी डिसाइड करें कि प्रोडक्ट कौन सा लेना है। सबसे पहले तो प्लानिंग पार्ट है। सो प्लानिंग ही बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देती है। सो आई एम श्योर ये प्लानिंग भी आपके काम आएगी एंड ये कैलकुलेटर आपको बहुत काम आएगा। सो हम नीचे लिंक डाल देंगे कैलकुलेटर डाउनलोड करने का, आप डाउनलोड करके इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेटर यूजफुल लगा है सो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट वो भी अच्छे से प्लानिंग कर पाए और बच्चों की एजुकेशन कॉर्पस इजीली बिल्ड कर पाए। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नया कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों होगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।